सेल साइकिल सेल डिवीजन कर रहे थे, चलो आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे फेसेस। सो अब तक हमने जो पढ़ा है कि टोटल टाइम इंटरवल, जल्दी बताओ पहले टोटल टाइम ऑफ सेल डिवीजन कितना है। ह्यूमन की बात कर रहे हैं, यीस्ट में 90 मिनट, ह्यूमन में 24 आवर। इन 24 आवर 95% किस में जाता है, इन इंटरफेस विच फर्दर इंक्लूड्स थ्री फेसेस, G1, S एंड G0 फेस। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट कौन सा आ गया, इंटरफेस का पार्ट आ गया आपका। ठीक है, जो मैंने ये बनाया ना अंडरलाइन के, ये पार्ट आ गया हमारा इंटरफेस। ठीक है, दिख रहा है ना आपको इंटरफेस, इसके अंदर आ जाते हैं। ये तीनों फेसेस क्लियर है इतना। आगे बढ़े, आगे हम बात करेंगे G1 फेस की। ठीक है, G1 फेस जो है, ठीक है बेटा, ये इंटरवल है बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। ये वाला फेस G1 फेस है। ठीक है, ये माइटोसिस के बाद आता है और ये मेन फेस है, इसके बाद DNA रेप्लिकेशन शुरू होने लग पड़ती है। ठीक है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होती है एंड कंटिन्यूस ग्रोथ टेक प्लेस होती है, पर DNA रेप्लिकेशन नहीं होती। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट जो लिखना है वो लिख देती हूँ मैं, कोई कलर चूज करो। चलो, ये जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं होता है स्टेज पर, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, एक बात आपको इस डायग्राम से पता चल रही है, इंटरफेस सबसे लॉन्गेस्ट फेस है और इंटरफेस में भी एस फेस सबसे लॉन्गर है। ठीक है, एस फेस को हम कहते हैं सिंथेसिस फेस, इसमें सारे सिंथेसिस टेक प्लेस होती है। ठीक है, DNA की सिंथेसिस होती है और एप्लीकेशन टेक प्लेस होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, DNA अमाउंट, मेन पॉइंट जो याद रखना है, अमाउंट ऑफ DNA डबल करता है इस फेस में, DNA डबल करता है इसमें। अगर सी था इसमें 2C हो जाएगा। ठीक है, इफ द इनिशिएशन द DNA इज डिलीटेड 2C, पहले 2C है तो 4C हो जाएगा। ये सी क्या, बेसिकली ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, दोनों मिला के एक प्रॉपर बन गया सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब क्या होता है, इसको हम गिन लेते हैं 2C, क्योंकि ये 1C, ऐसा ही एक और मिला के बना है ना, ये 2C। तो अगर पहले एक था तो इसको इधर क्या हो जाएगा, डबल। इसको भी दिखाने के लिए मैं शो कर देती हूँ आपको। इस पे तो इस फेस पे था, मान लो ऐसे ऐसे दो। ठीक है, इधर हो जाएगा प्रॉपर, सॉरी गलत मिल गया ना इधर, शिट, इधर मान लो था एक ऐसे और ऐसे, इधर हो गया वैसे, फोर सी हो गए, क्लियर हुआ। ठीक है, एस फेस क्लियर हुआ। हाउ एवर देर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, इफ द सेल हैड डिप्लॉयड 2N नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एट G1 फेस, DNA को डोनेट किया किससे, 2C से। ठीक है, अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर की, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन
सेम इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होगा। अगर इधर मान लो क्रोमोसोम नंबर था हमारे पास 2, कहाँ लिखूँ, इधर मान लो था 2n, तो इधर भी क्या है 2n, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। रुको एक और चीज लिखकर हूँ क्या, नहीं छोटा हो सकता, सॉरी यदि छोटा हो जाता क्या आ जाए, नहीं शिफ्ट कर देते हैं। देखो ढाई दो लाइन डिलीट ड्रॉ कर लेते हैं, येलो कलर की डिवीजन नहीं होती। और जो भी मैंने आपको अभी अभी बताया गया था, इधर 2n तो इधर भी 2n, ये क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। ठीक है, इन द एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डिवाइड डुप्लीकेट इनटू द साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, एस फेज में एनिमल्स में एस फेज में क्या क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस, ठीक है, कहाँ पे, इन न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ड्यूरिंग G2 फेज द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस वेल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। इसमें कुछ मेन नहीं है, बस प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं फेज में, ठीक है। टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस, सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल डू नॉट प्रिपेयर टू एग्जिबिट द सेल डिवीजन, एग्जाम्पल हार्ट सेल एंड मैनी सेल द सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली। अब सेल डिवीजन कौन से सेल नहीं करते, हार्ट सेल इम्पोर्टेंट है, सेल डिवीजन नहीं होती इसमें, ठीक है। अब ये सेल क्या होता है, जैसे कई सेल जो होते हैं ना वो ओकेजनली ओपन होते हैं, अगर कोई इंजरी हो जाए, रिप्लेसमेंट हो जाए, वो ऑल द टाइम डिवाइड नहीं करते। वो सेल क्या करते हैं, G1 फेज से इधर चले जाते हैं G0 फेज पे, ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज है, ठीक है। इनको हम कहते हैं क्यूसेंट स्टेज, अलग नाम जो इसका है वो यहाँ रख लेना, मैं लिख देती हूँ, क्यूसेंट स्टेज, ठीक है। द सेल्स इन द स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड टू डू सो, ठीक है। इन एन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड स्टोमेट सेल, ठीक है। अगेन दिस द प्लांट डू नॉट शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल, प्लांट में होती ही नहीं, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन। अब हम एम फेज की बात करते हैं, द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, किसको कहते हैं, एम फेज को। ये जो हमारा एम फेज था ये क्या मोस्ट
Traumatic period of cell cycle. Which is the most traumatic period of cell cycle? The answer would be M. Phase. Okay. Involving a major recognition of the virtual of the all cell components, as the number of the chromosomes in the parent and the progeny cell is same. It is also called as equational division. Isko hum kya is phase mein kya hota hai? Equational division. Number of chromosome. Isse ye chromosome represent karta hai. Remain same. ठीक है. Through of the convenience, mitosis has been divided into four stages on the nucleus division. ठीक है. अब कौन कौन सी है ये देखो. पहली आती है प्रोफेज, देन मेटाफेज, then anaphase, then telophase. These are the four phases. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. सबसे पहले हम बात करते हैं prophase की. ठीक है. अब prophase इसके बाद शुरू होती है G2 और S के बाद prophase शुरू होती है. ठीक है. अब S और G phase के बाद जो DNA बनता है ना बेटा, वो अलग नहीं होता, वो अभी भी ऐसे इंटरवीन होता है. ठीक है. DNA इज इंटरवीन. प्रूफ फेस इज मार्क्ड विद द इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स. इसमें क्रोमोसोम्स अपेयर होना शुरू हो गए. पहला बात प्रूफ फेस के मेन पॉइंट लिखो. चलो कंडेंसेशन of chromosome begin here. ठीक है. क्रोमोसोम भी ठीक है. बिकम Untangled. ठीक है. Centriole that duplicate during S phase start moving toward opposite pole. ठीक है. अब अगर प्रोफेज कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन प्रोफेज क्या क्या होगा देखो. क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस कर देगा टू फॉर्म कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम. ठीक है. अब क्या होगा, क्रोमोसोम आर सीन कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड. ठीक है. अटैच्ड बाय सेंट्रोमियर. ये स्ट्रक्चर पेयर होना शुरू हो जाता है. इसको कहते हैं सेंट्रोमियर. ठीक है.
initiation of assembly of mitotic spindle. The microtubule proteinaceous component of helping in the process. क्या होता है? इनिशिएशन असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो जाते हैं और माइक्रोटोब्यूल के ऊपर प्रोटीनेशियस लेयर आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, अब अगर हम सेल को व्यू करेंगे, सेल व्यूड एट द एंड ऑफ प्रोफेज डज नॉट शो Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus, nuclear envelope. इसे हम एक और चीज लिख सकते हैं, cell organelles. Disappear. आज के लिए बस इतना ही.